सरिला राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक सोमवार आयोजित होता राज्य कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव को मिली अनुमोदन सरकारी चाकरी बयस सीमा वृद्धि को कैबिनेट मोहर बाजी चाकरी बयस सीमा 32-38 को वृद्धि पाई एससी एसटी एससीबीसी और दिव्यांग आउ 5 वर्ष बयस सीमा वृद्धि होसत 5 मेगा पानीय जल प्रकल्प को कैबिनेट मंजूरी मिली कैबिनेट बैठक माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार हो जाए बैठक में 12 विभिन्न प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट अनुमोदन कर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज राज्य कैबिनेट नहीं सब इम्पोर्टेंट निष्पत्ति जहाँ आज नहीं अपर एज लिमिट जो रूल्स थी आगे फिक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स राज्य कैबिनेट 3 वर्ष कोहल करने निष्पत्ति नहीं आगर ओडिशा सरकार जो चाकरी रे विभिन्न जो रिक्रुटमेंट होता से 32 वर्ष अपर एज लिमिट ताको राज्य कैबिनेट 38 वर्ष पर्यंत अप्रूव कर आसंता 3 वर्ष 2021-2022-2023 रे जो रिक्रुटमेंट सब हबार अच्छी ये जो अपर एज लिमिट को 32 वर्ष 38 वर्ष को कोहल कर एवं एससी एसटी एससीबीसी एमानी 43 वर्ष आउ 5 वर्ष अधिका वुमेन कैटेगरी 5 इयर्स एडिशनल मान 43 इयर्स पर्यंत कोहल कर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानी आहरी अधिक रिलैक्सेशन दिखाई या द्वारा कोविड समय जो विभिन्न रिक्रुटमेंट परीक्षा सब डिले होता अनेक पिला परीक्षा देवर वंचित होते से अपर एज लिमिट से क्रॉस कर जाते से बहु भाव साहाज्य करिवो या व्यतीत राज्य कैबिनेट आज 5 गोटी मेजर पाइप वाटर सप्लाई स्कीम जो टेंडर कराई ताकू आज अप्रूव कर प्रोजेक्ट गुड़िक हला प्रथम प्रोजेक्ट मयूरभंज जिलार श्यामाखुंटा एवं बारीपदा ब्लॉक 25 ग्राम पंचायत 222 गाँव को पानी जल जोगे देवाई जो टेंडर कराई प्राय 148,000 लोक एथिरे बेनिफिट पाइबे एवं 2 मेगा पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बारीपदा एवं श्यामाखुंटा ब्लॉक रे करा जिवो यार जो टेंडर हेतला सेथरे लोएस्ट टेंडर कृष्णा कॉर्पोरेशन जॉइंट वेंचर विथ यूएमएसएल को अवार्ड करिया पई आज कैबिनेट रे अप्रूव होइछे एवं 190 कोटी टंका या पई खर्च करा जिवो एवं 2 वर्ष मध्यरे ए प्रोजेक्ट कंप्लीट हेबो एवं 5 वर्ष यार ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस से कंट्राक्टर से दायित्व नेबे द्वितीय मेगा पाइप वाटर प्रोजेक्ट जहाँ आज अप्रूव होइछे मयूरभंज जिलार कप्तीपदा ब्लॉक रे 26 ग्राम पंचायत 155 गाँव को पानी जल जोगे देवाई प्राय 142,000 लोक एथिरे बेनिफिट पाइबे एवं तार मध्य जो टेंडर कराई से लोएस्ट टेंडर कृष्णा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्राय 206 कोटी टंकार ये जो L1 टेंडर को आज कैबिनेट अप्रूव कर प्रोजेक्ट आसंता 2 वर्ष कंप्लीट कर 5 वर्ष ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस प्रोविजन अच्छी तृतीय मेगा पाइप वाटर स्कीम जहाँ आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर कटक जिलार बांकी डंपड़ा एवं बारंग ब्लॉक 32 ग्राम पंचायत 133 गाँव को पानी जल जोगे देवाई जो थे कि प्राय 95,000 लोक विशुद्ध पानी जल पाइबे प्रोजेक्ट पर टेंडर कराई लोएस्ट टेंडर ब्लू स्टार लिमिटेड जॉइंट वेंचर को 186 कोटी टंकारे अवार्ड करने आज कैबिनेट मंजूर कर आसंता 2 वर्ष प्रोजेक्ट कंप्लीट कर 5 वर्ष ऑपरेशन और मेंटेनेंस इनवॉल्व अच्छे चतुर्थ मेगा पाइप वाटर प्रोजेक्ट जहाँपाई टेंडर करा संबलपुर जिलार जुजुमुरा मानेश्वर नाक्टीदेवल एवं रेढ़ाखोल ब्लॉक 43 पंचायत 381 गाँव को पानी जल जोगे देवाई एथिरे प्राय 176,000
जनसाधारण बेनिफिट पाइबे एवं एथरे मध्य जो एल वन टेंडर हेतला लोएस्ट टेंडर केईसी इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर विथ कावेरी इंफ्रा तांको 394 कोटी टंकारे वर्क आउट दबा पई आज कैबिनेट मंजूर करिसेंति एवं ए प्रोजेक्ट मध्य असंता 2 वर्ष मध्य संपूर्ण करा जिवो एवं जो कंट्राक्टर जहाँ को जी इम्प्लीमेंट करेंगे से 5 वर्ष ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस तार करेंगे। से भाई आउ गोटे मेगा पाइप वाटर प्रोजेक्ट आज कैबिनेट अप्रूव हो टेंडर मयूरभंज जिलार 3 ब्लॉक यथा सारसकणा कुलियाणा एवं बांगीरपोषी ब्लॉक 50 पंचायतर 568 गाँव को पानी जल जोगाई देवाई जो थे कि 290,000 लोक उपकृत हे ता 2 मेगा पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर टेंडर करा मोंटे कार्लो लिमिटेड जॉइंट वेंचर विथ अमृता कंस्ट्रक्शंस से मैंने एल वन टेंडर रही 360 कोटी टंका रे ए प्रोजेक्ट कम अवार्ड करा जिवा कैबिनेट आज अप्रूव करिसेंते कम मध्य आसंता 2 वर्ष मध्य कंप्लीट करा जिवा पई लक्ष्य धार्य करा जाइछे एवं एथरे मध्य 5 वर्ष ऑपरेशन और मेंटेनेंस रहइबो। यहाँ व्यतीत आज राज्य कैबिनेट भुवनेश्वर जो आमर NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रो कैंपस अच्छी तापाई राज्य सरकार प्राय 10 एकर जमी एवं 58.65 कोटी टंका आगुरु जोगे देथिले ताकु आज राज्य कैबिनेट एक्स पोस्ट फैक्टर अप्रूवल करछन्ती। ता व्यतीत NIFT कैंपस पई पाखरे थिबा आहुरी 2 एकर जमी को बिना प्रीमियम रे बिना मूल्य रे जोगे देवा पई राज्य सरकार राज्य कैबिनेट आज निष्पत्ति नेइछन्ती एवं से जमीर मूल्य 4,58,00,000 टंका राज्य सरकार इडको को पेमेंट करिवे। आज राज्य कैबिनेट आउ गोटे निष्पत्ति नेइछन्ती ओडिशा एक्साइज सर्विस ग्रुप बी जो DSP डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज पोस्ट जोटा कि 40% डायरेक्ट रिक्रुटमेंट आसते ताकु OPSC माध्यम रे करिया पई राज्य सरकार निष्पत्ति नेइछन्ते एवं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन जो शेड्यूल 1 अछि शेड्यूल 1 ने ताकु इनक्लूड करा जइबो एवं भविष्यत रे जो ओडिशा सिविल सर्विस जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रूल अच्छे 1991 जरिया डेप्युटी सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आसवे से मानकर रिक्रूटमेंट करा जिवो। से भली आज राज्य कैबिनेट ओडिशा नॉन गवर्नमेंट उपशास्त्री एंड शास्त्री कॉलेज ग्रांट्स इन एड ऑर्डर 2009 अमेंडमेंट कर से भली आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो प्रपोजल थिला नुआ ग्रांट इन ऑर्डर ओडिशा नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जूनियर कॉलेजेस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्रांट इन ऑर्डर 2022 जो मैंने 2004 ग्रांट इन ऑर्डर जो मैंने लेफ्ट आउट हो जाते से मानक इनक्लूड करने ये ग्रांट इन ऑर्डर आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर। आज राज्य कैबिनेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2 प्रपोजल अप्रूव कर। प्रथम प्रपोजल है जटणी पाखे IIT कैंपस 618 एकर 66 डिसमिल जमी बिना मूल्य रे बिना प्रीमियम रे IIT भुवनेश्वर को जोगे देवाई राज्य सरकार राज्य कैबिनेट आज निष्पत्ति नहीं। अरगुल मौजार 70 एकर अरगुल खोलाद्वार पंसापड़ा बड़पड़ा अंडर जटनी तहसिल एवं गोड़ीपुट मटियापड़ा डेलांग तहसिल रे ये सब जमी अवस्थित अच्छी तेणु 618 एकर जमी को राज्य सरकार बिना प्रीमियम रे IIT भुवनेश्वर पई जोगे देवा पई निष्पत्ति नहीं। केवल 100 टंका पर एकर
ଆନୁଆଲ ରେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ, ଏବଂ ତାର 75% ମାତ୍ର ସେସ୍ ହିସାବରେ ଦେବେ। ସେଭଳି ଆଜିର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଟେମ୍ପୋରାରି ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟିଟି ମାନଙ୍କୁ, କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରି ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ବେଳେ ଆଗରୁ 10% ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ କୋହଳ କରି 3% କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।